कैसे आप सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे कि यहाँ पे एयरफोर्स का जो एग्जाम छूट चुका है, जैसे ही कैंडिडेट बाहर निकलते हैं उनसे लाइव बातचीत करेंगे क्या पेपर का लेवल रहा। तो आइए जानते हैं, कुछ कैंडिडेट यहाँ से निकलना प्रारंभ हो गए हैं। हाँ हो गया बढ़िया गया, ठीक लाओ ना अटेम्प्ट कर दी थी, 40 क्वेश्चन कर दिए। हाँ अच्छा, तो आज जो मैथ्स का क्या लेवल रहा? मैथ्स का ठीक था। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है? अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक में वही रीजन, मतलब ठीक ही था, लिमिट बढ़ते सही से। कल काफी कह रहे थे कैंडिडेट्स बहुत हार्ड आया था रागा पोर्शन, तो आज क्या? रागा का ठीक थे। ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन? हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ते हैं सर। हम आए औरैया से। औरैया इटावा के पास। अच्छा तो ये बताइए कि ऑनलाइन किससे पढ़ते हैं? ऑनलाइन ज़्यादा, मतलब ऑफलाइन ही जाते हैं, ऑनलाइन का बहुत कम। ऑफलाइन तो यहीं कानपुर में रह के ही पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? कानपुर में है एकेडमी जो यहाँ से स्टडी करते हैं। गुरुकुल। काका देव? हाँ यहीं काका देव में रहते हैं वहीं। चलिए ठीक है, चलिए आइए, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। काका देव में रहते हैं, गुरुकुल एकेडमी से पढ़ते हैं। हाँ भैया हो गया एग्जाम? हाँ हो गया भैया। 45 क्वेश्चन। कहाँ से आए भैया? हम तो आए उन्नाव से। उन्नाव से आए हैं। अच्छा तो आज क्या लगा, आज का क्या लेवल लगा? नहीं लेवल ठीक था। कह रहे कि रागा बहुत हार्ड आई थी, तो क्या हार्ड नहीं, बस वही जीएस अगर पढ़ी नहीं आएगी तो वही हार्ड लगेगी। बाकी जीएस में से क्या है? मतलब करंट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन? एक पूछा था 2029 का अंडर 19 वर्ल्ड कप पूछा था, और भी कुछ था। कौन जीता था 2019 का वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता था, एक ऐसा प्रश्न आया हुआ था। अच्छा तो इंग्लिश का बताइए सर, इंग्लिश का क्या रहा? बहुत सिंपल था सर, इंग्लिश ठीक था। हाँ सिंपल था। कितना अटेम्प्ट किया आपने इंग्लिश? 18 जी। अच्छा तो उसके बाद जो रागा पोर्शन था उसमें से कितना अटेम्प्ट? रागा पोर्शन में मेरे थे 23। तो आज रीजनिंग में से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? रीजनिंग में एक उसका था डायरेक्शन डिस्टेंस का था, और एक डायरेक्शन डिस्टेंस का था, और 4-5 एनालॉगी के थे वो, उसके नॉन वर्बल कोडिंग डिकोडिंग भी था, एक नंबर का जी। लेसन से क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन से, एक नंबर का था। वही इशारा वाला होगा फोटो की तरह जी, एक मतलब एक लड़का था वो अपने एक साले के इशारा करते हुए बोल रहा है, आ ही रहे हैं इस समय। अच्छा तो उसका फिगर वगैरह क्वेश्चन था क्या, जो मिरर इमेज वगैरह वाटर? मिरर इमेज का कैलेंडर का कोई नहीं था, मिरर इमेज का भी नहीं था। कोई क्वेश्चन था क्या एंगल वगैरह वाला? नहीं, एंगल का क्लॉक का कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा तो पूरे में से अगर बात करें तो इजी क्या कह सकते, ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन पढ़ते हैं? ऑनलाइन। ऑनलाइन परमार सर से और आरएस। देखिए ये भी आर्य सर और परमार सर से पढ़ते हैं, जैसा कि लगभग काफ़ी कैंडिडेट्स आर्य सर और परमार सर के मिले हुए हैं, डिफेंस के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया सर? 43 अटेम्प्ट किया। क्या लगता है अटेंडेंस क्या रही होगी सर अंदर? अटेंडेंस मोर देन 25% एब्सेंट है। 25% जी जी। अच्छा चलिए ठीक है, लगभग 25% लोग एब्सेंट हैं, और अटेंडेंस की बात करें तो लगभग काफ़ी 25% ठंड की वजह से लगभग कैंडिडेट्स एग्जाम देने नहीं जा रहे। हो गया भाई साहब कितना अटेम्प्ट? 42 की है। अच्छा तो आज आपको आज का क्या लेवल लगा? आज के लेवल काफ़ी ठीक था। ग्रुप था या फिर बहुत था? वाई ग्रुप था हमारा। तो आज बताइए जीएस में से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? जीएस में पूछा जा रहा है जैसे कि नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, और जैसे पूछा जा रहा है कि वो उत्तराखंड के सीएम पूछे गए थे। उत्तराखंड के सीएम, देखिए डिक्टो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम कौन थे, एक ऐसा भी प्रश्न आया था। प्रीवियस आप ये एनालिसिस देख रहे हैं तो उसी के हिसाब से पढ़िए तो सही रहेगा। एनालिसिस से काफ़ी हेल्प मिल रही है आप लोगों को? काफ़ी हेल्प मिल रही है। आपका चैनल क्या नाम? देखिए अगर बात करें तो लगभग जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है, और लगभग काफ़ी कैंडिडेट्स आए हैं अभी, और भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनसे भी रिव्यू करेंगे। जैसा कि जीएस में से बात करें तो लगभग करंट अफेयर से आज कोई क्वेश्चन नहीं था, सब वही जो मॉक टेस्ट वगैरह आप लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं और भी कैंडिडेट्स। हाँ भाई हो गया एग्जाम? हो गया अटेम्प्ट किया? किया तो पूरा, कुछ छूट गया इंग्लिश का, कुछ छूट गया ना, छूट गया इंग्लिश का, छूट गया कुछ 5-7 क्वेश्चन कुछ। 7 क्वेश्चन यानी कितना अटेम्प्ट किया आप इंग्लिश में? कर लिए करीब 16। हाँ हाँ आराम से। 13 अटेम्प्ट किया? आराम से। क्या इतना क्यों कम अटेम्प्ट किया आप? अरे उसमें पता नहीं चला ना कि टाइमिंग भी साइड में चल रही है, फर्स्ट टाइम था ना ऑनलाइन। अच्छा फर्स्ट टाइम दिया है। अच्छा तो क्या मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाए थे क्या? नहीं। कहाँ से आए भैया? वहाँ कल्याणपुर से। कल्याणपुर से आए हुए हैं आज? कल्याण कहाँ पढ़ते हैं? कल्याणपुर में अभी तो ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन से पढ़ते हैं? ऑनलाइन कैरियर विल से। कैरियर विल? देखिए कैरियर विल आप पढ़ते हो तो अच्छी जगह से हैं। अरे पता नहीं चला ना, फर्स्ट टाइम था ना इसलिए। फर्स्ट टाइम, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद रागा का जो पोर्शन था उसमें आपने कितना अटेम्प्ट? कौन सा रागा? रीजनिंग का जो पोर्शन? रीजनिंग का उसमें 5 छूट गया।
ओवरऑल कितना अटेम्प्ट? इतने बड़े पांच जो नहीं आ रहे थे ना छोटे। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया? ओवरऑल 20 50 नहीं 50 नहीं 20 तो उसका किया रीजनिंग का और 13-14 उसका किए। वही आपने 33 अटेम्प्ट किया 50 में से, क्या लगता है हो जाना चाहिए? वो 20 थे, 20 प्लस 30 50 हुआ। तो क्या लगता है हो जाएगा? नहीं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन जीएस के? हाँ जीएस में से कितना किया? जीएस का छोड़ना पड़ा थोड़ा। कितने छोड़ दिए? ये याद नहीं कितने छोड़े, जो आ रहे थे किए जो नहीं। ऐसा कुछ क्वेश्चन याद है जीएस का जो पूछा गया हो आपके? हाँ यही कि उत्तराखंड का भी वो कौन है, कौन है उत्तराखंड का सीएम? हाँ और नहीं दिवस नहीं था कोई। अच्छा उसके बाद में बात करूँ तो जैसे कि कोई अध्यक्ष वगैरह पूछा गया ऐसा कुछ? नहीं अध्यक्ष नहीं पूछा गया, ये पूछा था क्या था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भैया? आ गए ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है एक ऐसा प्रश्न आया हुआ था। चलिए लगभग रिव्यू की बात करें तो आज का एग्जाम लगभग इजी टू मॉडरेट आया, ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।